हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो, जिसमें मैं मेघा और सौरभ लेके जाते हैं आपको बहुत सारे प्लेसेस। पीछे का फ्लैग देख के लगा तो नहीं हम इंडिया में आ गए? नहीं, ये फ्लैग है लंदन में और हम रुके हैं ताज में। और आज हमारा प्लान ये है, देख रहे होंगे आप हमारी ट्रैवल सीरीज़, तो आपको पता ही होगा कि हम लोग लंदन घूम रहे हैं। बट आज हम लोग हमारे फ्रेंड्स के साथ जाने वाले हैं कैम्ब्रिज, एंड इट्स अ डे ट्रिप एंड वी आर गोइंग टू हैव फन। वो हमारे फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हम कितने मज़े करने वाले हैं। सो लेट्स गो एंड एंजॉय दिस डे ट्रिप फ्रॉम लंदन। लेट्स गो। आ गए हम लोग कैम्ब्रिज सिटी और ठंड है यहाँ पर, तो ले रहे हैं पहले कॉफी। मैं शायद कुछ और लूँ, मतलब सी What is the process of get admission in Cambridge? कुछ नहीं, भारत में 50,000 बार फेल करो और कभी मिलेगा नहीं दोबारा मौका कैम्ब्रिज में पढ़ने का, नहीं तो फिर आ जाओ यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने के लिए। कॉफी लेने के बाद अब करने वाले हैं बोट टूर, और वो ऑलरेडी प्री बुक्ड थी। और कहाँ से प्री बुक की थी और कितना प्राइस था, दैट विल टेल यू। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। बट नाउ वी आर हॉपिंग ऑन टू दिस बोट। इस बोट राइड की सबसे खास बात क्या है? इसमें आप जो 45 मिनट सो सकते हैं, ये जीवन का सबसे अहम 45 मिनट है। गर्म कंबल मिलता है आपको, हवा हल्का हल्का चलते रहता है, मध्यम मध्यम आप सोते रहो। और वो बताता है कुछ कुछ कहानी, देखो कैम्ब्रिज में आपको एडमिशन तो मिलने से रही, नहीं नहीं तो जब आपको कैम्ब्रिज में एडमिशन मिलेगी नहीं तो सुनकर करोगे यार कौन राजा महाराजा ने बनाया। इसमें से एक कॉलेज है, भूतिया कॉलेज भी है, उसके बारे में बताएगा। सो नहीं रहते, अब वो कहानी दोबारा सुन करना, क्या सो जाओ आराम से। सबसे खास बात है सोना। So we will find out. भूतिया कॉलेज। भूतिया कॉलेज भी है इसमें। इस बोट राइड को पंटिंग बोलते हैं, और बोट को पंट क्योंकि ये एक फ्लैट बॉटम स्क्वायर कट बोट है, और जो बोट चलाता है वो एक पोल से बोट को पुश करता है। हमारी जो गाइड थी उसने इस कैम्ब्रिज टाउन के बारे में काफी सारी डिफरेंट स्टोरीज बताई। जैसे कैम्ब्रिज टाउन बना था 1209 में, जब कुछ लोगों की फाइट हो गई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि एक अनादर यूनिवर्सिटी टाउन भी है, आप लोगों ने उसका नाम भी जरूर सुना होगा। गाइड ने हमें ऑल डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में भी बताया, जैसे किंग्स कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज, क्वींस कॉलेज, सेंट पॉल कॉलेज, इन सब की हिस्ट्री भी बताई। हाँ, हमने उससे पूछा कि आखिर इन कॉलेज में एडमिशन्स कैसे होता है, वो उसके बारे में उसे नहीं पता था। She also talked about all different famous people who graduated from here, like Isaac Newton, Charles Darwin, and Stephen Hawking. इस ब्रिज को देख के आपको वेनिस की याद तो नहीं आ गई? एक्चुअली में आएगी, क्योंकि ये जो ब्रिज अभी दिख रहा है ये वेनिस का जो ब्रिज है, ब्रिज ऑफ साय, उसी के सिमिलर आर्किटेक्चर पे बना है।
ऑसम बोट राइड थी और इतनी सारी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिली ना उस बोट राइड को करते हुए, और इतनी सारी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलेजेस हैं यहाँ कैम्ब्रिज में, मुझे पता ही नहीं था. किंग्स कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज, सेंट पॉल कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजेस हैं. एडमिशन तो बहुत दूर की बात है, इन्फॉर्मेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब सारी इन्फॉर्मेशन है. एडमिशन तो शायद होगा नहीं, एज अ टूरिस्ट ही आ सकते हैं यहाँ पर. अब बोट राइड करने के बाद आए हैं हम यहाँ. दिस इज़ किंग्स कॉलेज का एंट्रेंस और वो है साइड में चर्च. तो हमारे फ्रेंड्स लेने गए हैं टिकट ताकि हम अंदर से देख सकें. अभी पता नहीं इसके अंदर भी शायद जा सकते हैं, किंग्स कॉलेज को अंदर से भी देख सकते हैं और चर्च को भी देख सकते हैं. तो देखते हैं क्या टाइप का टिकट आता है, एंड देन वी विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन. क्योंकि आज वही है हमारे गाइड, हम लोग फॉलो कर रहे हैं आवर टूर गाइड स्वाति एंड उज्जवल. आपको पता है कैम्ब्रिज जो नाम है वो कैसे पड़ा? बोट राइड में जो टूर गाइड थी उसी ने ये इन्फॉर्मेशन दी. जो रिवर है जहाँ पे हम लोग कर रहे थे राइड, बोट राइड, उस रिवर का नाम है कैम, और उसके ऊपर जो ब्रिज है उस ब्रिज से पड़ा है कैम्ब्रिज, इसलिए कैम्ब्रिज का नाम कैम्ब्रिज है. और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चली है वैसे. और हमारे दोस्त आ चुके हैं टिकट लेके. पानी नहीं टिकट है भाई. तो इसके अंदर जाना है, इसके अंदर जाएंगे ना, इसके अंदर चैपल है. 245 लास्ट एंट्री, हम लोग एकदम राइट टाइम पे हैं, हम लोग घुसा देंगे. ओनली 45, एवरी आवर का 45 पे घुसता है. यस, फॉर 4. तो आ गए हैं अंदर, और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये है किंग्स कॉलेज की बिल्डिंग, द वाइट बिल्डिंग. एंड इसका जो डिजाइन है अगर देखेंगे ना ध्यान से, तो ये व्हाइट हाउस की तरह लगेगा. बिकॉज सेम डिज़ाइनर ने, सेम आर्किटेक्ट ने ये बनाया, और शायद व्हाइट हाउस भी सेम आर्किटेक्ट ने बनाया. जब हम जो टिकट लिया है वो आया है £11 का, बट आप इससे इसको नहीं देख सकते हैं अंदर, दिस इज़ ऑल प्राइवेट. आप देख सकते हैं ये चैपल, और इसकी ही टिकट मिलती है £11 की. तो अब चलते हैं अंदर और इस चैपल को देखते हैं. लेट्स गो इन. We are having dumplings, vegetarian dumplings and chicken dumpling and green street onion pancakes, street food. And this is, yes, and this is the market of Friday. डम्पलिंग्स तो हमने ऑर्डर कर दिया है वो उस स्ट्रीट शॉप से, और यहाँ लगा है फुल मार्केट, सब कुछ मिल रहा है इस मार्केट में. जैसे नेदरलैंड्स में एक वीडियो बनाया था मैंने, सब्जी मंडी और वहाँ पे मार्केट दिखाया था, उसी टाइप से है. जैसे ये पीछे देखिए, रेजन्स मिल रहे हैं यहाँ पे, इधर कपड़े मिल रहे हैं. एक अलग वाइब आती है ना शहर से बाहर आ जाओ तो, इट फील्स डिफरेंट लंदन से बाहर आके. हाँ, yes. और अब we are heading back. अच्छे थे ना dumplings? Dumplings बहुत tasty. बट वो जो pancake लिए खाया ना वो बहुत ही oily था, खा ही नहीं सके हम लोग. वो गया. और छोले वाज मिसिंग फॉर दैट. हां, वो बटुआ, वो भटूरा लग रहा था पूरा विदाउट छोले, वो भी ऑयली बहुत ज्यादा. हेडिंग बैक टू लंदन. हां, तुम लोग भी डाल देना मैसेज पहुंच के. यार वी सेड बाय, और अब चलते हैं अंडरग्राउंड से वापस अपने
कल की डे ट्रिप के बाद इट्स टाइम टू मीट अनदर फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड. तो चलते हैं और हम जाने वाले हैं इस बार रेड बस में. दैट्स द प्लान. लेट्स गो एंड मीट स्कूल फ्रेंड एंड एंजॉय द रेड बस ड्राइव. मैं आई थिंक अपनी बस खड़ी हुई है शायद और हम मिस करने वाले हैं. लेट्स ट्राई टू वॉक फास्ट एंड स्टिल कैच इट. कितने सालों बाद ऐसा हो रहा है. वी आर ट्राइंग टू रन टू कैच अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. And it has started moving. Oh no, we missed it. But don't worry. I think next 3-4 minutes mein hona chahiye. Hopefully. This is the bus. Look, it was Hampstead. Yes, 24 number bus. This is the bus we have to go. Actually, मैं थोड़ा confused हो गया था. मैं भूल गया था कि मैं UK में हूँ और bus stop opposite होंगे जो पूरे Europe में होते हैं वहाँ से. So I missed the bus. But anyways, the next will come in a minute. Hopefully. But today is a very nice sunny day. बैठ गए बस के अंदर ऊपर डबल डेकर बस. मुंबई में बैठी हूँ मैं ऊपर, याद है अपन दोनों बैठे हैं हॉप एंड ऑफ में बैठे हैं डबल डेकर. मगर ये लंदन के डबल डेकर की बात ही कुछ और है. हम लोग ना आगे वाली सीट पे बैठना चाहते थे बट वहाँ ना बच्चे बैठ गए. बच्चे तो बैठे गई तो हम यहाँ आराम से फिर पीछे बैठ गए. बट अभी भी ऊपर बैठे क्योंकि अभी भी अंदर से तो किडी है. ऐसा लग रहा है जैसे कि सामने कोई सिनेमा चल रहा है और पूरा सिटी मूव हो रहा है. इट लुक्स वेरी वेरी अनरियल. थोड़ा फन है, बहुत फन. हरी वीडियो में अपन बोलते हैं ना कि लंदन बिल्कुल क्योंकि इतनी मूवीज में लंदन को देखा ना तो ऐसा लगता है मूवी देख रहे हैं. सारे स्ट्रीट्स लंदन आ रहा है. हां, सारे स्ट्रीट्स के नाम आप पढ़ते हो लगता है कि यू नो द हिस्ट्री अबाउट इंग्लिश रूल एंड एवरीथिंग. सो यू थिंक ये नाम सुना है, ये नाम यहां पढ़ा है, वो यहां पढ़ा है, चाहे वाटरलू हो, लिवरपूल हो या फुटबॉल के फैन लोग. वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू एंजॉय दिस सिटी थ्रू अ बस. फाइनली हमको मिल गई है सबसे फ्रंट सीट. दो स्टॉप पहले मिली बट कुछ तो व्यू लेंगे. कुछ तो मिली है. दैट्स व्हाट आई वांटेड. ये नाउ आई विल ड्राइव द बस. एटलीस्ट आई विल फील एज इफ आई एम ड्राइविंग द बस. एक बस मिस हो गई तो उससे हम लोग थोड़ा लेट हो गए 20-25 मिनट. हाँ, और हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो वहाँ वेट कर रहे हैं और हम वहाँ जाके अपने मेरे कौन से फ्रेंड्स हैं हम लोगों के और हम वहाँ जाके कहाँ पे खाना खाने वाले हैं वो सब देखना है. तो आपको देखना होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर तो फॉलो कर ही रहे हैं ना दोनों का हैंडल लग गया है. सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम मिलेंगे हमारे फ्रेंड से और खाएंगे Amazing food in India. Not in India, in London. Oh, sorry, I've already hint de diya hai. But let's find out in the next video. Till then, bye. Bye. It's a good day in London. हाँ करेंगे ना. जो बोला मैं गाड़ी भी चलाऊँ मतलब उसको. Today is a very nice sunny day. Sarah always do who?